हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जयपुर का नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल हो मैं सिटी पैलेस के अंदर। और सिटी पैलेस का 300 रुपये टिकट लगेगा ऐसा नॉर्मली। और इनका बहुत सारे टूर पैकेजेस हैं यहाँ पे, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे आप आके रुक भी सकते हो और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं, उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। जो बेसिक है टिकट का रेट वो 300 है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अंदर भाई साहब बहुत सारे ना रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे आपको, सवाई जयसिंह महाराज जी ने बनवाया था। और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल प्लेस पैलेस है ये, बहुत ही अच्छा। तो चलो अंदर चलते हैं फिलहाल। ओके, सो ये सिटी के पैलेस में बेसिकली यहाँ पे उनके कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और जो आपने देखा होगा उनके जो युद्ध में जाते थे, पोलो खेलते थे वो एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा फैशन फॉलो करते थे। और उस टाइम पे वहाँ पे उनके कपड़े, बहुत सारे कपड़े आपने देखा होगा पीछे वीडियो में। और कैमरा अलाउड नहीं था, बाहर से देख लो ये सारे गेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे वो रहते थे। और जो पीछे का है वहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, वहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेशल टिकट्स लगते हैं, उसके लिए आप स्पेशल टिकट्स लेके जा सकते हो। पहले से इसके अंदर जो पेंटिंग एंड फोटोग्राफी होता था, इसके अंदर पेंटिंग्स रखी हुई हैं। और ब्रिटिश के आने के बाद में जो फोटोग्राफ्स लिए हुए थे राजा, जो करंट उस टाइम के राजा जी थे, उन लोगों के साथ में जो फोटोग्राफ्स लिए हुए थे वो फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं जो बहुत पुरानी है। सो अंदर फोटोग्राफ वगैरह अलाउड नहीं था, इसके लिए मैंने वहाँ पर कुछ वीडियो नहीं बनाया। कुछ म्यूजियम बनाया हुआ है, म्यूजियम शॉप वगैरह है, यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हो। सो अभी तक का जो मैंने देखा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें जो देखा आपने टी पैलेस में, कुछ भी नहीं है। सो एक टाइप का अगर आपको सिर्फ घूमने के लिए आ रहा होगा, शॉपिंग करना है, कुछ ऐसे एंटिक्स, तो यहाँ पे अंदर म्यूजियम वगैरह में मिल जाएंगे। सो पुरानी चीज़ें नहीं है, नए पेंटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। पीछे वीडियो में आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है भाई, अभी भी कुछ बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह चालू है यहाँ पे। ये पूरा चांदी का है, इसमें यहाँ पे दो बनाया हुआ, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। और ये यूज़ होता था यहाँ पे गंगा जल रखने के लिए, जिन्हें सबसे बड़ा खड़ा जिसमें गंगा जल रखा जाता था, गंगा जली बोलते हैं, गंगा जली। और ये कुछ ऐसा पैलेस है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं किसी चीज़ों का। पैलेस में आपको ऐसी सारी चीज़ें दिखेंगी, डिटेलिंग दिखेंगी, पेंटिंग्स की डिटेलिंग दिखेंगी। ये उस टाइम की तलवारें हुआ करती थी जो यूज़ करते थे, देख सकते हो ये छोटी तलवारें, ये भाला ढाल, बहुत सारे तलवार यूज करते थे, छोटी से लेकर बड़ी तक तलवार, तीर रखा हुआ है ऊपर। तो ये वो टाइम पर हो सकता है प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं यहाँ किसी। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आज भी वहाँ पर, ऐसा लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर आज भी रहते हैं जो यहाँ के करंट राजा हैं, तो वो है थोड़ा सा आगे जो अभी किला है। यहाँ पे आज भी जो राजा, आज के राजा हैं, जो उनके वंशज हैं राजा जय सिंह के, वो आज भी यहाँ पे रहते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल झंडा है दैट मीन राजा यहाँ पे सिटी में नहीं है, अगर इसमें डबल झंडा होता तो दैट मीन राजा इस सिटी में है। और ऐसे तोप तो यहाँ पे आप हर जगह देख सकते हो, जो भी पैलेस में आप जा रहे हो हर जगह आप देख रहे हो कि ऐसे तोप रखे हुए हैं। एक न्यू यहाँ पे एक पैलेस कैफ़े भी है, आप जाके कुछ अगर आपको ड्रिंक वगैरह चाहिए तो आप खा सकते हो। बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं पैलेस में, क्या जहाँ जाओगे ना आपको एक कठपुतलियों के नाच जरूर दिख जाएंगे। नमस्कार करो सब लोग को, ये नमस्कार। ये बेसिकली उस टाइम पे मीटिंग्स वगैरह करने के लिए यूज करते थे। और ये दीवार पे देख सकते हो सोने और चांदी की डिजाइंस बनाई हुई है और सोने और चांदी की चेयर्स रखी हुई है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पे जितने भी हैं सिटी पैलेस का आपने देख लिया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, हवा महल। और हवा महल चालू होता है सुबह 9 से 6:30 तक, जो आपने बोर्ड पे देख लिया है टाइमिंग। किसी ने बोला कि यहाँ पे टिकट फ्री है आज के दिन, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, आज टिकट फ्री नहीं है, 15 अगस्त को भी टिकट लगता है। तो इसका टिकट का रेट 52 रुपीज़ है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जितनी भी मोस्ट ऑफ दिस जगह पे मैं गया हूँ, सबका एक ही मेरे को टिकट का फी मिला है, वो ही 52 रुपीज़। हवा महल का निर्माण जो था 1799 में महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये बनवाया था, जो हवा महल का स्ट्रक्चर देखते हो आप, जो आगे आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के प्रकार में बनाया गया है। और इसमें कुल मिला के 365 खिड़कियाँ हैं, जो आपको दिख रहा होगा ये क्राउन शेप वाला, यहाँ साइड में मैं फ़ोटो डाल दूँगा। सो इसमें दिख रहा है 365 खिड़कियाँ हैं, 365 विंडो हैं। चलते हैं अंदर, आगे देखते हैं क्या है।
आज के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि आज भी 15 अगस्त है और आज भी छुट्टी है। सो कल थोड़ा सा भीड़ कम दिखा था मुझे ऐसे प्लेसेस पे जो मैं आमिर कोट वगैरह कल गया था, लेकिन आज यहाँ पे बहुत भीड़ थी और है। ये देखो ये विंडोज़ है, ये जो आप वहाँ से देख रहे हो व्यू वो सामने के साइड पे। ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पे ये सारी विंडोज बनी हुई हैं जो आपने देखा होगा, ये सारे टॉप फ्लोर के यहाँ पे। ऐसे ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो लग रहा है वैसे बच्चों को खेलने के लिए बनी हुई है। इसका लॉक है, लॉक टूट गया बंदा, ऐसे बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिससे कि ये यहाँ का व्यू दिखता था यहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ पे एक ये बैक साइड का व्यू दिखेगा आपको, ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं इसको खोलेंगे बैक साइड का व्यू दिखेगा, और यहाँ साइड ये साइड से आपको फ्रंट का व्यू दिखेगा। तो ऐसा कुछ बनाया हुआ था इसका, और फिलहाल जो हम खड़े हो रहे हैं जो यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज, इसके अंदर खड़े हुए हैं। तो हवा महल यहाँ पे ही ख़त्म होता है, इतना ही कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आप आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, फोटोज़ निकाल सकते हो, और फिलहाल हम निकल रहे हैं आगे वापस। ओके सो यहीं ख़त्म होता है हवा महल और ये ब्लॉग का एंड, ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे मैंने जयपुर को एक्सप्लोर किया, पूरा जयपुर आपको दिखा दिया, सेम ऐसे ही नेक्स्ट सिटी एक्सप्लोर करूँगा बहुत ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। ये तो कोई सिटी होगा या तो कोई प्लेस होगा या तो कैसे ऐसे, लेकिन होगा जरूर कुछ बहुत जल्दी।